नहीं है इसका मुकाबला जो कर सके फिलहाल में जो चल रहा है इसमें तो पूरा नहीं जानता हाँ, लेकिन ये दो तीन महीना से हाँ, ये टॉप किया हुआ है। तो जैसे आप लोग लगा रहे थे वर्षा को तो अभी उसको एकदम टोटली बंद कर दिए कभी उसको लगा रहे हैं एकदम टोटली बंद है ये सकाटा ही पूरा सकाटा ही सकाटा लगा है मिल रहा है तो हम वर्षा क्यों लगाए। अच्छा अभी जैसे मिल गया पिछले साल में एक पैकेट लगाया था आठ पैकेट मिलेगा और बड़ा साल एक पैकेट लगेगा हम बेसिक वजन है ना जबरदस्त है। आप कब बेच के खत्म किए अभी क्या रेट मिल रहा था पहले 30 रुपए से स्टार्ट किया लास्ट 20 रुपए लास्ट किया अभी आपको उसमें बता रहे थे बढ़िया मैं 70 से स्टार्ट किया 70 से आगे पीछे लगा था ना मतलब आपका इनका दिवाली के टाइम पे निकल रहा है यहाँ आढ़त पे लगता है आढ़त पे लगता है ये आढ़त पे जो रेट कटेगा वही रेट पूरा गोभी कटेगा भाई 10 बीघे या 15 बीघे चाहे 20 बीघे किसान जो भी किसान है आढ़त पे जाएंगे ये गोभी जो है इनका आढ़त है मंडी वहाँ पे आढ़त में मंडी पे लगा देंगे अब बेचना इनका जिम्मा है चाहे वो 10 रुपए बिक रहा है या 20 रुपए बिक रहा है चाहे 5 रुपए बिक रहा है लेकिन आढ़त का जिस हिसाब से चलता है वो हिसाब से जो है माल बिकता है और जो छोटा माल है जो गोभी छोटा है हाँ। वो जो है थोड़ा सा टाइट बिकता है जिसे बड़ा है तो सत्तर जी का तो अपन को प्रॉफिट प्रॉफिट जो वैरायटी है ये ठंडी के सीजन में इसमें बोरान डालने की जरूरत नहीं ऐसे ही अच्छा सफेद अच्छा सफेद आता है लेकिन पानी जो है बढ़िया पटाना पड़ता है अगर जा रहा सभी सुखा देंगे तो कलर तो डाउन होगा। फिर और दूसरी बात जैसे क्रिस्टल क्रिस्टल का एक टाइम है कि उसके बाद फिर आप लोग कौन सी गोभी लगाते हैं। चलो ठीक है क्रिस्टल का जैसे लग चुका अभी उसके बाद क्या लगाएंगे गोभी की खेती करेंगे जैसे हंसा होगा हंसा इंडम हंसा अभी मतलब उसके पास भी ऑप्शन रहेगा इसके साथ साथ एक वर्टेक्स है वो भी एक ऑप्शन है लगे टाटी करने का आपको हाँ है ना दिसंबर में अपने पास फ्यूजी टॉप और व्हाइट एवरेस्ट बहुत जबरदस्त वैरायटी है दिसंबर लास्ट लास्ट में आप उसको रुपाई थरहा डाल सकते हैं थरहा डालना तो आप फ्यूजी टॉप करके एक वैरायटी आती है वो आपका दिसंबर में डालेंगे फरवरी मतलब 70 से 75 दिन की वैरायटी है टाइम भी आपका निकलेगा और शायद 1 किलो 1.5 किलो 1.5 किलो तक वो भी जाएगा और एकदम सफेद रहेगा तो आप एक बार थोड़ा सा ना थोड़ा सा उसमें रुआ आ जाता है लाल आ जाता है टेम्परेचर बढ़ता है सर थोड़ा सा और मैं पवन कुशवाहा जी को बुलाऊंगा कि हमारे जेडम सर को पुष्पगुच्छ दे के स्वागत करें। पवन भैया आपको इसके बारे में जानकारी कंपनी के बारे में जानकारी और बाकी जानकारी सर ही देंगे। आप सभी का स्वागत है मैं हरकेश यादव एज एरिया मैनेजर छत्तीसगढ़ यहाँ पे अपन सकाटा से अपन यहाँ पे सकाटा कंपनी की तरफ से अपन यहाँ पे उपस्थित हुए हैं फूल गोभी व्हाइट क्रिस्टल के बारे में एक छोटा सा मतलब फील्ड रखा गया है और कंपनी का हिस्ट्री यह है कि कंपनी अपना 2007 से अपना इंडिया में काम कर रही है। कंपनी को यहाँ पे लगभग इंडिया में काम करते हुए लगभग 13 साल हो गया है और कंपनी में से मतलब 113 साल पुरानी कंपनी है ऑल इंडिया मतलब पूरे कंट्री में वर्ल्ड वाइज 113 साल पुरानी कंपनी है और इसका लगभग लगभग 170 या 175 कंट्री में इसका मतलब बिजनेस है। तो अपन पत्ता गोभी फूल गोभी बेस्ड कंपनी है ये फूल गोभी 12 महीने के लिए है यहाँ पे बस वही है क्या कि सही टाइम पे अभी उसको अपन प्रेजेंट नहीं कर पाए थे जैसे अभी व्हाइट क्रिस्टल है व्हाइट क्रिस्टल के बाद अपनी एक और वैरायटी आती है व्हाइट एक्सेल आती है व्हाइट एक्सेल के बाद फिर अपनी
व्हाइट एक्सेल के बाद कैंडिड चार्म और कश्मीरी आती है, वो आप चाहो तो उसको सितंबर से लेकर के सितंबर अक्टूबर नवंबर में अपन डाल सकते हैं उसको। उसके बाद जैसे दिसंबर के लिए बहुत रेयर लोगों के पास रहता है, हमारे पास दिसंबर के लिए भी गोभी है फ्यूजी टॉप और व्हाइट एवरेस्ट करके, वो भी आपका 70-75 दिन की वैरायटी है, 1 से 1.5 kg का उसका वजन आता है, पूरा मतलब ठोस रहता है, पत्ते से पूरा ढका रहता है, एकदम सफ़ेद आता है। बाकी उसके अलावा हमारे पास टमाटो भी है, भिंडी भी है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बीट रूट, लाल बंधा, बहुत सारी वैरायटी है, मतलब का मिर्च भी है। तो आप लोग फूल गोभी के साथ साथ बाकी वैरायटी को भी ट्राई करिए। और अभी जैसे अगर आप लोग खीरा का टाइम हो गया, यहाँ पे खीरा में हमारा एक सिजुका करके आता है, वो भी यहाँ पे लास्ट ईयर लग चुका था और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, कुछ किसान लोग लगाए भी रहे होंगे, तो अगर किसी ने लगाया हो तो भाई जानकारी दे सकते हैं क्या, कोई लगाया था अजय लास्ट ईयर यहाँ पे? अरे जयप्रकाश, जयप्रकाश भैया नहीं आए क्या? रेट नहीं था तो आप एक मिनट आइए ना। सिजुका के बारे में बताइए। सिजुका के बारे में खीरा तो अच्छा था सर, रेट नहीं था इसीलिए जोतवाना पड़ा मेरे को। फलन मतलब नीचे का एक पत्ता छोड़ के उसमें मतलब फलन आ गया था। हाँ फलन आ गया, हर गाँठ में फल था, वायरस थोड़ा बहुत था सर। हाँ हाँ उत्पादन अच्छा था, लंबाई ठीक था। अच्छा, अब आपने ये गोभी देखी है तो आपको क्या लगा, वो भी थोड़ा सा बताइए। आप आए हैं सबसे पहले सर व्हाइट क्रिस्टल यही लगाए, वही तो मैं बोला ट्रायल लेने के बाद पहले तो क्या देखे भी आता है वैरायटी के बारे में क्या देखा? वैरायटी ठीक है सर। क्या आप संतुष्ट हो? संतुष्ट हैं सर। दोबारा भैया किसी को और कुछ जैसे जानकारी लेना हो तो सर के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। मैं तो ज्यादातर समय आप लोगों का नहीं लूंगा क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि आप लोगों का गोभी का निकलने का, क्योंकि कल की भी कटिंग है तो उसलिए तो नहीं, पर इसके अलावा जैसा अब ज्यादा मैं बात ने देखा है आपने तो आपके सामने ही है कि वैरायटी की विशेषता तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने खुद लगाया और जितना भी लगाया सब लोग संतुष्ट है, इस बात की खुशी है। और भी आपको कुछ दूसरी वैरायटियों के बारे में भी कुछ जानकारी या कुछ अलग पूछना हो तो एक एक पूछ सकता है, तो आपका भी समय मैं बचाना चाहूंगा। तो आप किसी को कुछ पूछना था कि दूसरी कुछ वैरायटियों के बारे में और जैसे मतलब इसके बाद कौन सी वैरायटी लगा कंपनी में? वो लाल वाली गोभी की है। हाँ ये है ना, ये फूल गोभी नहीं, कलर वाली तो अभी अपन नहीं है, कैबेज में ही अपने पास में। बाकी एक चीज में ब्रोकली है, ग्रीन कलर की जो आती है ब्रोकली, वो है ब्रोकली लगा सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा ब्रोकली का भी ट्राई कीजिए। ब्रोकली में सकाटा के पास में वर्ल्ड वाइड ब्रोकली की बहुत वैरायटियां है, अब हर समय के हिसाब से ब्रोकली है, एक ग्रीन मैजिक है, एक साकी है, एक समुराई है, ऐसे बहुत सारी वैरायटी है। इतना ही है कि ब्रोकली का चलन भले ही नहीं पर आप लोग उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रेट अच्छा मिलता है, थोड़ा थोड़ा उसको लगाने का, ज्यादा लगाए तो फिर मार्केट में उसको ये नहीं होता है क्योंकि दूर भेजेंगे तो रेट अच्छे मिलेंगे, उसको लोकल कंजम्पशन में भेजोगे तो उतना ज्यादा उसका ये नहीं रहेगा। बराबर कहा आपने, उसका हमेशा रेट ज्यादा रहता है। अब रही बात दूसरी की, व्हाइट क्रिस्टल तो आप लोगों ने की है, इसके अलावा कुछ किसान भाई पूछ रहे थे कि आपके पास में, तो हमारे पास में हर समय के हिसाब से गोभी है, जब भी आपको कुछ लगा तो लोकल में यहाँ पे अजय वर्मा है अपने पास में या हरिकेश जी है, इनका भी आप नंबर ले सकते हैं, कुछ भी जानकारी किसी को भी पूछना हो तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर जो है यहाँ के इनके पास में भी ये कर सकती है, हमारा नंबर इनसे भी लेके भी आप बात कर सकते हो, किसी को भी कोई समस्या आए और निश्चिंत होके कल जाके कोई भी अगर आपको लगता है कि इसमें सुधार होना चाहिए तो ये भी हमें बताइए, ताकि अगली बार अगर हो सकता है कि ये व्हाइट क्रिस्टल आपको 1-3 साल तक चलेगी, इसके बाद में फिर क्या होता है कि धीरे धीरे कोई भी वैरायटी का रेजिस्टेंट या प्रतिकारक क्षमता कम होती जाती है, उसी बीच में अपने पास में बहुत वैरायटियां रहती है। हमारा तो यहाँ पे कंटिन्यू ये भी चल रहा है कि कंटिन्यू ट्रायलिंग चलेगी, ट्रायलिंग मतलब कैसा कि ये तो हो गया अब इसके पास, अब इसके अलावा भी कुछ और नया आपके लिए ढूंढ के रखेंगे हम, ताकि ये जैसे कम हो जाएगी कि और दूसरी वैरायटी आपको देते जाएंगे कि जब भी आपको रहेगा, तो उस हिसाब से कंटिन्यू ट्रायलिंग आपको जैसा बोला है तो कंटिन्यू अपन ट्रायलिंग करते रहेंगे यहाँ पे, तो जैसे ट्रायलिंग रहेगी तो अपने को नए नए वैरायटी जो भी आएगी तो एक बार पास होगी और वो भी वैरायटी अपन हम चाहते हैं कि आपके यहाँ मौसम के हिसाब से सूट हो जाए,
ताकि ना कि रायपुर में क्या चल रहा है या बिलासपुर में, क्योंकि यहाँ हर एरिया का आपने भी देखा है, हर एरिया का क्लाइमेट टेम्परेचर अलग आता है। हालांकि बेचते तो सब दूर है, पर यही अपने को देखना पड़ता है कि इसको कब से कब तक बेचे। हर एरिया का टाइमिंग अलग अलग आता है, उस हिसाब से हमारी कोशिश रहेगी कि आपके टाइमिंग के हिसाब से वैरायटी यहाँ पे ट्रायल में सेट करें, आप लोगों को दिखाएं वो प्लॉट, फिर अगले बार उसको फिर बेचने के लिए फिर बाद में उसको मार्केट में लाए, उस हिसाब से करूंगा। और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सब किसान भाइयों का सकटा सीड कंपनी की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आपने सबने आपका इतना कीमती समय, बहुमूल्य समय ये प्रोग्राम के लिए दिया और ये प्रोग्राम को आपने सबने सक्सेस किया, उसके लिए सबका मैं धन्यवाद करता हूँ।